नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। अभी हम मौजूद हैं नोएडा में और हमारे साथ हैं सुमित चौहान जी। और एक जो मामला है बड़ा ही सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो बरेली की साक्षी हैं और बीजेपी के जो विधायक हैं, मिश्रा जी की लड़की ने जो एक दलित लड़के से जो शादी की है, उसको लेकर पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है और सोशल मीडिया पे बहुत प्रतिक्रिया आ रही हैं, लोग नई नई बातें करें। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से उन्होंने अपनी एक वीडियो बना के और सोशल मीडिया पे वायरल की है कि हमें अपने पापा से डर है, वो हमें मरवा सकते हैं, क्या लगता है? कहीं ना कहीं मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 70 साल देश को आज़ाद हो गए, क्या अभी भी इंटरकास्ट शादी करना इस देश में अपराध हो चुका है? देखिए, कानूनन जो है अंतरजातीय या अंतरधार्मिक शादी करना अपराध नहीं है। आप अपने संविधान, इस देश का कानून हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपना जीवन साथी खुद चुन सकें, इस बात का हमें हक है। लेकिन क्योंकि हमारी सामाजिक कुरीतियाँ इतनी हावी हैं, लोगों का दिमाग पे रूढ़िवादिता इतनी हावी है कि वो नहीं चाहते कि मिक्स मैरिजेज हों, बच्चे अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनें। बरेली में जो विधायक जी हैं वो उस पार्टी के विधायक हैं जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता ये कहता है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू है। तो जब हर इंसान हिंदू है तो वो दलितों को हिंदू नहीं मानते क्या? जब उसने अगर दलित से शादी कर लिया है तो वो उसको हिंदू नहीं मान रहे, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एक लड़की जो बालिग है, जिसको इस देश का कानून हक देता है अपना जीवन साथी चुनने का, वो आज दर दर की ठोकर खा रही है, वो अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही है। किससे? अपने बाप से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से। आपने उसको इतना मजबूर कर दिया, वो लोग घर छोड़ के जाने किस हालत में कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। यार, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। अगर गैरकानूनी काम किया होता तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। उन्होंने तो कानून के तरीके से शादी की है, हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की, उनके पास सर्टिफिकेट है, बालिग हैं दोनों। आप उनके प्यार को स्वीकार कीजिए और आप इस जाति के अहंकार को, इस दम को, इस झूठी शान को कि हम ब्राह्मण हैं वो दलित हैं। यार, 5000 साल हो गए आपको ये सब गाते हुए, ब्राह्मण दलित करते हुए। अब न्यू इंडिया है, मोदी जी कह रहे हैं न्यू इंडिया बनाएंगे, चांद पर भारत को लेके जाएंगे, तो आप न्यू इंडिया बनाइए, अपने नेता की बात सुनिए और अपने बच्चों का कहना मानिए। सुमित जी, आप भी एक ऐसे कपल्स हैं जिसने आपने इंटरकास्ट शादी की है, वो वक्त कैसा होता है जब ये टाइम आता है लोग आपको ट्रोल करते हैं या धमकियाँ देते हैं, आप भी इन चीज़ों से गुजरे हुए हो? देखिए गजेंद्र जी, मेरी शादी इंटर रिलीजन है, एक्चुअली इंटरकास्ट नहीं है। मेरी जो पत्नी है वो मुसलमान है। देखिए, हमारे पास ना बहुत सारी जानकारी कई बार नहीं होती है, बहुत सारे संसाधन नहीं होते हैं, तो पहली लड़ाई ना खुद से हम लोग लड़ते हैं, खुद अपने छोटे मोटे साधनों से लड़ते हैं कि यार हम लोग शादी करें कि ना करें, वो कामयाब होगी कि नहीं होगी। और जब कामयाब होने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने प्यार को, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं या कहीं काम करते हैं, तब प्यार है, उसको आप एक मुकाम पर ले जाना चाहते हैं कि नहीं, इस रिश्ते को एक वैलिड एक रूप देते हैं, शादी करना चाहते हैं, तब हमारा परिवार ही हमारे खिलाफ हो जाता है। तो जो आपके सबसे करीबी हैं, जो आप सबसे करीबी लोग हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनकी गोद में आप खेले हैं, वो आपको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो वक्त है, ये पार्टिकुलर जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही भयानक टाइम होता है बेसिकली उस कपल के लिए जो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहा है। छोटे छोटे नादान बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, ये लोग कहते हैं भाग गए। यार, कोई भागता नहीं है, आप उन्हें मजबूर कर देते हैं। अगर घर पे रहेंगे आप उनको मार डालेंगे। कितने सारे ओनर किलिंग के केसेस हमारे सामने आते हैं, रेगुलर आता है कि किसी की बेटी मार दी, किसी का बेटा मार दिया, कहीं पर दोनों को जिंदा जला के मार दिया। तो आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं भागने के लिए, कोई भाग नहीं रहा है। उस पीरियड में आप उनका साथ दीजिए, उनको काउंसलिंग कीजिए कि आप जो करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे अभी मैच्योर नहीं हैं, अभी आपके बच्चे कमाते खाते नहीं हैं, अभी वो स्टेब्लिश नहीं है, उनको टाइम दे दीजिए। यार, उनको बोलिए कि आप अपना फैसला लीजिएगा, लेकिन टाइम ले लीजिए, आप उन्हें परेशान क्यों करते हैं? जाति का अहंकार इंसान के लिए सबसे बड़ी बीमारी के तौर पे है ये। अगर आप बीमार हैं, जो भी जातिवाद को मानता है, जो भी जाति की श्रेष्ठता में विश्वास रखता है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो जाति को मानने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मण से जो जाति को मानते हैं, बेसिकली ये लोग बीमार आदमी हैं, ये रोगी हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है। तो आप अपने इस रोग को अब तो छोड़ दो यार, इतने सालों से आप लेते हुए आ रहे हो। हम जैसे कपल्स को आप समर्थन दीजिए। यार, हम लोग कहाँ जाएँ? हम परिवार से भी लड़ेंगे, हम इस देश के कानून से भी लड़ेंगे, हम समाज से भी लड़ेंगे। ये उस कपल के लिए बहुत ही मुश्किल भरा दौर है, बहुत ही ट्रेजिक दौर है। सुमित जी, साक्षी तो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और हाँ, उसने एक रसूखदार परिवार से आती है, उसने तो वीडियो बना के अपने आप को कहीं ना कहीं बचा लिया, मीडिया में वो सारी चीज़ें वायरल हो गई, एक पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें आ गई। लेकिन अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें यहाँ तक नहीं आती, उनके साथ ओनर किलिंग हो जाता है, वो मारे जाते हैं।
क्या फिर कैसे क्या जाति इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है? देखिए गजेंद्र, अभी अहमदाबाद में सोलंकी, हाँ, अभी दो दिन पहले ही खबर आई थी कि अहमदाबाद में जो है हरेश कुमार सोलंकी वो अपनी बीवी को लेने गए, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गए थे और वहीं पे उसको जो है गाड़ी में वो बैठे हुए थे तो उसको काट के मार डाला गया, बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। साक्षी के वीडियो से पहले एक वीडियो बिहार से भी आया था जिसमें एक लड़का लड़की बैठे हुए कह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से आए और बार बार वो ठीक है शब्द बोले थे, तो बड़ा ट्रोल भी हुआ था, बड़ा वायरल भी हुआ था वो वीडियो। उस वीडियो को मीडिया ने नहीं दिखाया, उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये वीडियो क्योंकि हाईलाइट हुआ है तो एक कम से कम डिबेट में ये बात उभर के आ रही है कि यार अपने जीवन साथी को चुनना जो है क्या वो अपराध हो गया है, आप क्यों उनकी हत्याएं कर देते हैं। मैं और मेरी बीवी जो अज़रा हैं, हम लोग धनक नाम की एक संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं। धनक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरफेथ इंटरकास्ट कपल्स को मदद मुहैया कराती है, उनको लीगल एड देना है, उनको शेल्टर देना है या उनकी जो क्वेरीज होती हैं मिक्स मैरिज को लेके, उसमें हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो हमें रेगुलर्स वहाँ पे फ़ोन कॉल्स आते हैं, रेगुलर्स कपल्स हमें विजिट करते हैं जो बोलते हैं कि मेरी माँ मेरे को मार डालेगी, मेरा बाप, मेरा भाई मेरा गला दबा देगा, उन्होंने मेरा गला दबाया, उन्होंने मुझे लॉक कर दिया, मुझे दो दो दिन तक खाना नहीं दिया। ऐसे केसेस रेगुलर हम लोग देख रहे हैं, यार वो आपके बच्चे हैं भाई, वो आपसे ही बड़े हुए हैं, आपके साथ हैं, वो आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बन गए? क्या आपका झूठा सम्मान, आपकी जाति, आपका सोचना, आपका समाज, क्या आपके बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है? आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए यार, जब आप घर में भूखे बैठे हैं तब तो कोई आके आपको खाना खिलाता नहीं है, तब तो कोई कुछ आके मदद करता नहीं, आप उनके सम्मान के लिए, झूठी शान के लिए अपने बच्चों का मर्डर कर देते हैं। ये निहायत ही घटिया मानसिकता है और बेहूदी मानसिकता है, इसका बदलाव ज़रूर होना चाहिए और हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का हक मिलना चाहिए। सुमित जी, जैसे आपने कहा कि एक धनक नाम की संस्था से आप जुड़े हुए हैं, अगर कोई चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता, ऐसे एक अंबेडकर फाउंडेशन है जो सरकार चलाती है जिसमें वो जो इंटरकास्ट शादी होती है उनको पैसा भी देती, क्या लग रहा है उस संस्था का प्रचार नहीं हुआ या सही से काम नहीं कर पाया सर? देखिए, प्रचार प्रसार तो अपनी जगह है ही, अंबेडकर फाउंडेशन अच्छा एक लेवल सरकारी संस्था है तो उसका प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है। बेसिकली क्या है ना, लोग नहीं जानते, समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं, लोग जानते भी हैं, कुछ लोग, हम लोग क्योंकि रेगुलर ऐसे कपल से मिलते हैं उनको पता होता है, लेकिन समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है कि पहली बात तो आप अपनी मर्जी से जीवन साथी नहीं चुन सकते, दूसरी बात चुन लिया तो ये बताइए वो किस जाति या किस धर्म का है, तो वहाँ से ना विरोध होना शुरू हो जाता है, लोग विरोध करते हैं, आपको उस लेवल का माहौल ही नहीं बनाते। अगर हमारे घर में जो है हम बच्चों को ये माहौल दें कि वो दोस्ताना माहौल हो, वो खुल के आपसे बात करें, अपने जीवन साथी के बारे में निर्णय लेने की उनमें क्षमता डेवलप हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो उनमें, तो एक दौर पर जब वो जीवन साथी चुनने का वक्त आएगा तो वो खुल के उस बारे में फैसला ले पाएंगे। हमारे यहाँ क्या है, किसी को मिलाया नहीं, अरेंज मैरिज किया, फोटो दिखा दिया, शादी कर दी, पता चला सुहागरात वाले दिन वो देख रहे हैं एक दूसरे का चेहरा कि भाई कौन है। यार ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आपको अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का हक है, आपको मिलना चाहिए। जीवन तो आपको जीना है ना, आपके परिवार को नहीं जीना है, आपके आपकी फैमिली को नहीं जीना है। अगर मेरा जीवन साथी अच्छा नहीं है तो नरक तो मेरा जीवन हो गया ना। और जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी को चाहते हैं, तो वो प्यार को एक वैलिड रूप देना, उसको शादी के उस लेवल पे लेके जाना, भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब अंबेडकर फाउंडेशन शादी के लिए पैसे देती है, ढाई से 3 लाख रुपया वो देती है अगर एक पार्टी उसमें से दलित है, तो पैसा भी मिल रहा है, देखिए आप घर भी चला लीजिए, है ना, बाकी जगह शादी करोगे तो दहेज देना पड़ेगा। उस जो फाउंडेशन है उसके रूल्स नियम कहते हैं कि जिस क्षेत्र में भी आप सांसद हैं या विधायक हैं वो वहाँ के लोग जाइए, इंटरकास्ट शादी करवाइए और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुलवाइए और ये चीज़ें समझाइए, इसको बढ़ावा दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई नहीं देता, जो यहाँ के विधायक हैं या सांसद हैं इस काम को बढ़ावा नहीं देते, वही तो मैं पूछा प्रचार। देखिए, किसी संस्था का किसी मकसद का पेपर पे होना अलग बात है और उसका ग्राउंड लेवल में वो कितना रियलिटी के साथ काम कर रहा है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली। हमारे यहाँ पे संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ पे कानून हैं, हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज हैं जो इस लेवल पे काम करती हैं, लेकिन वो वहाँ से हटके जब लोग हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, जिनको कानून बनाना है। मैं एक केस के बारे में जिक्र करूँगा कि हम एक बार गोहाना किसी केस के सिलसिले में गए थे, हरियाणा में एक गोहाना जगह है, वहाँ पे लड़की को जिंदा जला के मार दिया गया था और जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको बहुत ब्रूटली उसको पीटा गया था कि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। और ये सारा किस्सा कहाँ पे हुआ था, ये पुलिस स्टेशन में हुआ था। पुलिस स्टेशन में वो लोग गए थे सुरक्षा मांगने के लिए कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, और वहीं पे पुलिस वालों ने उनके घर को बुलाया और पुलिस वालों के सामने ही ये पूरा का पूरा
का वाक्य हुआ, लड़की को ले जाया गया, घर ले जाके जिंदा जला दिया। ऑनर किलिंग जो होती है पुलिस की भूमिका रहती है इसमें? पुलिस में कौन बैठा है? पुलिस में मैं और तुम बैठे हैं, वहाँ पे हमारी जैसी सोच के लोग बैठे हुए हैं, जो SHO है, जो जो SSP है, वो यही लोग बैठे हुए हैं। धनक में हम ही पिछले दो ढाई हफ्ते पहले मैं और मेरे साथी आसिफ जो हैं, हम लोग यहाँ गाजियाबाद में एक केस था, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे दोनों लड़का लड़की ब्राह्मण हैं, उन्होंने शादी किया, लव मैरिज किया है, लेकिन लड़की के परिवार वाले उनके खिलाफ हैं। उनके ऊपर रात में 2:30 बजे घर तोड़ के अटैक हुआ, उनको ब्रूटली इंजरी हुई, उनको उनको घायल किया गया। और जब वो SSP के पास गए तो SSP का कमेंट था कि एक तो गलत काम करते हो और दूसरा अपने परिवार वालों के खिलाफ केस कर रहे हो। तो वहाँ पे जो बैठा हुआ है उसकी सोच तो वैसी ही है, वो तो वैसा ही सोचता है। आप किससे रक्षा के लिए गुहार लगाएंगे? जो SSP है, जो SHO है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो कांस्टेबल है, वो सब उन्हीं के लोग हैं, वो भी तो यही सोचते हैं कि इन्होंने गलत काम किया। तो पहले तो हमें ये धारणा बदलने की ज़रूरत है कि अपनी मर्जी से शादी करना, अपना जीवन साथी चुनना, ये गलत काम नहीं है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर फ्रेमवर्क में चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, फ्रॉम द मिनिस्ट्री टू वेरी ग्राउंड लेवल, वहाँ पे लाके आपको उसमें सुधार लाना पड़ेगा। काउंसलिंग कीजिए, लोगों को जागरूकता कीजिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन डालिए इनमें, कास्ट के प्रति जो इनकी नफरत है। कोई SHO होगा और वो अपनी बिरादरी का, उच्च जाति का होगा, तो वो इतना घमंड में रहता है उसको, तो उसको लगता है हमारी बेटी कैसे चली जाएगी इनके। तो इसमें पुलिस की भूमिका बहुत ही क्वेश्चनेबल है, उनको और अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा कि दे आर दी गार्जियन ऑफ लॉ, उनको कानून की रक्षा करनी है, ना कि अपनी जाति की रक्षा करनी है। वो जाति के प्रधान नहीं है वहाँ पे, वो वहाँ पे कानून के रक्षक बन के बैठे हुए हैं। सुमित जी, मेरा आखिरी सवाल है, जो ऐसे कपल्स हैं और जो ऐसे लड़के जो आ गए ये कदम उठाने वाले हैं, शादी करने वाले हैं या अपना लाइफ पार्टनर चुनने वाले हैं, उनके लिए क्या ऐसी कोई सलाह देंगे आप, क्योंकि आप इस पूरे वाक्य से गुजरे हुए हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के वो आगे कदम उठाए? साक्षी तो एक रसूखदार फैमिली से ही तो बच गई वो। देखिए, रसूखदार होना भी उसके काम नहीं आ रहा है, तो वो उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं घर वाले ही। मेरा ऐसे सब कपल्स को मेरा यही पैगाम है कि आप अपना जीवन साथी खुद चुनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब आप जीवन साथी चुनते हैं, आप एक जाति से दूसरी जाति में एंटर करते हैं, तो जो जातिवाद का जो फ्रेमवर्क है, जो जो ढांचा है, वो टूटता है। अब एक दलित ने ब्राह्मण लड़की से शादी की है, तो जो बच्चा पैदा होगा दैट कैन डिसाइड कि वो ब्राह्मण होगा कि दलित होगा। और यही बात इनको चुभती है कि वो जाति का जो फ्रेमवर्क है, जो ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी ने, ब्राह्मणवाद ने जो जातिवाद बनाया है, वो टूटता है अंतरजातीय विवाहों से, अंतरधार्मिक व्यवस्थाओं से वो टूटता है। आप जब अपना जीवन साथी चुनेंगे तो आप एक नई परंपरा शुरू करेंगे, आप एक नया जीवन शुरू करेंगे, नई मान्यताओं को स्थापित करेंगे। अपना सोचिए, आपने अपने अपना जीवन साथी चुना है दूसरी जाति का, तो इसका मतलब है आप किसी दूसरे जाति वाले व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेंगे, यानी आपने जाति को खत्म कर दिया। आप किसी दूसरे धार्मिक व्यक्ति से विवाह करते हैं तो आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आजकल तो सेम सेक्स मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने एंड से बुराइयां खत्म करते चले जाएंगे। आपने अच्छा किया, आपकी पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, वो अच्छा करेगी, तो इस तरीके से बदलाव आएगा। हम उस बदलाव के हिस्सेदार हैं, हम उसमें छोटी सी हिस्सेदारी है हमारी। आप शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, उससे पहले आप अपना मन बनाइए कि हम क्या इस रिश्ते को कामयाब बना सकते हैं, क्या हम इस रिश्ते को लेके जा सकते हैं। शादी करना अट्रैक्शन में एक अलग बात है, फिर उसको आगे एक लेवल पे लेके जाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप सबसे पहले अपना मन बनाइए कि मैं अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़ सकता हूँ और इस रिश्ते को एक अच्छा मुकाम दे सकता हूँ। दूसरा, आप सर्वाइवल के लिए ढूंढिए कि मैं शादी के बाद सर्वाइवल कैसे करूँगा, मेरे पास क्या क्या साधन है, मैं किस तरीके से। तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कीजिए, जॉब्स अगर मिलती हैं तो जॉब्स कीजिए, और अपने आप को स्टेबल कीजिए, तब जाके शादी का डिसीजन लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चे जो हैं उनके साथ ऐसे हालात हो जाते हैं कि उनको मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ता है उनको, वरना उनकी हत्या कर दी जाती हैं। तो ये इस देश में तो प्यार की हीर रांझा लैला मजनू, सदियों पहले भी वही काम हो रहा था और आज भी वही हो रहा है। तो भैया, कभी तो बदलाव करो, कभी तो इस चीज़ को बदलिए। जाति का अहंकार छोड़िए, जाति को बिल्कुल गटर में दफना दीजिए, जाति बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। धर्म के आधार पर भेदभाव ख़त्म कर दीजिए और अपने बच्चों का साथ दीजिए। और जो भी साथी शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, शादी करना आपका हक है। कानून ने, भारत के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने आपको हक दिया है। और बाबा साहब कहते थे कि जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो अंतरजातीय विवाह है वो एक अच्छा साधन बन सकता है। तो बिल्कुल शादी कीजिए और मजे से रहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।